नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सभी लोगों को मालूम चल ही चुका है कि हमारे राजस्थान के अंदर एक फ्री मोबाइल हमारे वितरित किए जाएंगे, जो कि सभी महिलाओं मुखियाओं को दिया जाएगा। अब महिला मुखिया हमारे, आपको मैं बता दूं किन को माना जा रहा है, जो कि हमारे जन आधार कार्ड के अंदर हमारी महिला मुखिया है, उन सभी को राजस्थान सरकार की तरफ से एक स्मार्ट मोबाइल फोन फ्री में वितरण किया जाएगा। यानी कि सभी महिला मुखिया को एक मोबाइल फोन फ्री में दिया जाएगा, जिसके अंदर हमारी 3 साल की इनकमिंग, 3 साल की आउटगोइंग और हमारे सारी की सारी सरकारी योजनाओं के जो भी इनबिल्ड एप्लीकेशंस हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर हमारे दिए जाएंगे। साथ ही साथ उसके अंदर 3 साल तक महिलाओं को अपडेट रखने के लिए, उनको जागरूक रखने के लिए, उनको सारी की सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए 3 साल तक राजस्थान सरकार ने फ्री में इंटरनेट देने की भी हमारी घोषणा कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बजट के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने फ्री मोबाइल वितरण की हमारी घोषणा कर दी थी, जिसके अंदर अब सभी लोगों के अंदर यही कन्फ्यूजन है कि ये मोबाइल फ़ोन हमें कब दिए जाएंगे और इसके अंदर हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे को लगाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको यही जानकारी देंगे कि ये मोबाइल फ़ोन अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट को अपने पास संभाल कर रखने हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पूरे नहीं हैं तो आप किस प्रकार से उनको पूरा कर किस प्रकार से इस मोबाइल को प्राप्त करने के हकदार आप भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको अपने जन आधार कार्ड आईडी आपको चाहिएगी। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो चिरंजीवी कार्ड आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम तीसरे डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो निवास से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका राशन कार्ड हो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास हो। ये अगर हमारे पास हैं तो हम इसके हकदार बनेंगे। और अगर हम चौथे प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना आवश्यक है। और पांचवें लेवल की अगर हम बात करें, पांचवें डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आयु का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। इसके अंदर आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र यूज कर सकते हैं। छठे डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो राशन कार्ड आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास आपका राशन कार्ड नहीं है तो आप इस मोबाइल के हकदार नहीं रह पाएंगे। सातवें अगर हम बात करें तो एक वैध मोबाइल नंबर, यानी कि जिसके ऊपर आपकी सारी की सारी योजनाओं की जानकारी आपके पास मिलती रहेगी, जिसके लिए आपको अपने पास एक मोबाइल फोन होना जरूरी है, एक मोबाइल नंबर आपका होना जरूरी है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही साथ आपके पास अपनी खुद की एक ईमेल आईडी होना आवश्यक है जिससे आपके फ़ोन को एक्टिवेट किया जाएगा। और अगर अंतिम डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास आपके 2 पासपोर्ट साइज के आपके फोटोग्राफ्स भी होने जरूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप सभी लोगों को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आप भी राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई गई फ्री मोबाइल योजना के लिए आप भी हकदार होंगे और आप भी राजस्थान सरकार की तरफ से दिए जा रहे जो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, जिसके अंदर हमारी 3 साल की इनकमिंग, 3 साल की आउटगोइंग और 3 साल की इंटरनेट फैसिलिटी फ्री में राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाएगी, वो सभी आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्दी आप भी अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कराइए, आप अपने डॉक्यूमेंट को बनवाइए, ताकि आप भी आने वाले समय में हमारे जो रक्षाबंधन के पावन त्यौहार के ऊपर ये मोबाइल फ़ोन वितरित किए जाएंगे उसमें आप भी ये स्मार्ट मोबाइल फ़ोन प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इसके ऊपर कोई नया लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगा, वैसे ही सबसे पहले हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इंटीमेट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक्टिवेट करिएगा, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सको। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।